हाय, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विंड ट्रेडर ट्रेडिंग सिस्टम। अगेन मैं आपको हमारी जो सॉफ्टवेयर विंड ट्रेडर की लाइव मार्केट के साथ आई हूँ, यानी कि हमारी जो सॉफ्टवेयर विंड ट्रेडर मैं कमोडिटी मार्केट में कैसे काम करती है मैं लाइव मार्केट में दिखा रही हूँ। यानी कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी, हमारी जो विंड ट्रेडर पूरी मार्केट सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपको इंट्राडे से लेकर पोजीशन आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब भी कर सकते हो, और ऊपर से आपको एनएससी कैश फ्यूचर ऑप्शंस कमोडिटी एग्री ओपन इंटरेस्ट फॉरेक्स कॉमेक्स पूरी मार्केट सपोर्ट करते हैं, सब में आपको कर सकते हो। सेम ऐसे ही लाइव वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नंबर में कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको लाइव मार्केट में डेमो दिखा सकते हो। आज मैंने यहाँ पे कमोडिटी मार्केट का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का ओपन किया है। कैसे कमोडिटी मार्केट में हमारे जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट सेट किया है, यानी कि नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में 5 मिनट्स का इंट्राडे के लिए होता है, 15 भी कर सकते हैं, पर एनजी में नेचुरल गैस में 5 मिनट्स बेटर रहता है। 15 मिनट्स ठीक है, पर पॉइंट वाइज चेंजेस होता है तो 5 मिनट्स ठीक ठाक रहता है। तो क्रूड ऑयल में दोनों में कर सकते हो, 5 और 15 दोनों में आपको कर सकते हो, और बर सिल्वर और गोल्ड में पर उल्टा है, 15 और आपको बेटर रहता है सिल्वर और गोल्ड में, ऐसा होता है। ओके, अभी क्रूड ऑयल का चार्ट के अंदर चलते हैं। यानी कि आपको ये वाइट कलर डे ब्रेक लाइन से आज का मार्केट का ओपनिंग हुआ था, इसमें ये जो क्रीम कलर आप पैरों दिख रहा है बाई है, ये रेड कलर डाउन आरो सेल है, दोनों अपना ऑटोमेटिक सिग्नल्स है। जब भी दोनों आते हैं आपको इस तरीके का अलर्ट मिलेगा, खंडी की आवाज़ में विद बेल इफेक्ट के साथ आपके सिस्टम में स्पीकर कनेक्ट है। तो ये पूरी मार्केट, यानी कि यहाँ पे देखिए, ये पूरी मार्केट मार्केट वॉच में, यानी कि मैंने बताया था पूरी मार्केट सपोर्ट, राइट क्लिक करके सिंबल सीजिए, देखिए पूरी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। पूरी मार्केट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी मार्केट ऐड करते हो तो उसका पूरा अलर्ट यहाँ से इस तरीके का अलर्ट आपको मिल जाता है। इवन री एंट्री आता है तो भी आपको ऐसे अलर्ट मिल जाता है। इनकेस ये क्लोज कर दिया तो फिर लेटेस्ट की एंट्री प्राइस आपको ऊपर दिखेगा, टाइमिंग डेट कितना प्रॉफिट अच्छी हो, कितना टारगेट अच्छी हो चुका है, और नीचे देखिए 3 टारगेट्स और उसका स्टॉप लॉस भी अप्रॉक्सीमेट 12 पॉइंट्स के हिसाब से एक एक टारगेट दे थे। तभी लेटेस्ट सिग्नल के हिसाब से हमारा 6789 में हमने एंट्री डाले थे, उसके हिसाब से अभी तीनों टारगेट अचीव है, 45 पॉइंट्स हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है, यानी कि 4500 रुपीज़ हमारे हाथ में ऑलरेडी पहुँच चुका है। कन्फर्म सिग्नल था तो सेकंड कैंडल के ओपनिंग रेट को आप एंट्री ले सकते थे, यानी कि 6783 में, 6783 में आराम से एंट्री ले, उसके हिसाब से देखूंगी तो भी 45 तो ज़रूर अचीव हुआ है। ओके, तभी मॉर्निंग से ही बाई थे, मॉर्निंग से बाई थे, बीच में सेल देने के लिए कोशिश किया था, सेल कॉल तो सिग्नल तो आया था पर सेल कन्फर्म नहीं, बिना कन्फर्म में ऊपर चले गए। हमारे जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैंने पहले भी बताया था, 3 कन्फर्मेशन देखिए, कन्फर्मेशन के बाद ही एंटर कीजिए, यानी कि कैंडल कलर सेम सिग्नल कलर होना चाहिए, नीचे पट्टी जैसे बार और यहाँ पे प्राइस एंड बाय सा, सो तीनों साथ में आए तो दूसरी कैंडल की स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री ले सकते हैं। दूसरी कैंडल की स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री ले सकते हो, और उसके हिसाब से अभी तीनों टारगेट अच्छी हुए, अभी भी मार्केट प्रॉफिट में हो। ओके, और इसके हिसाब से हमारा जो ये सेल कॉल थी, ये सेल कॉल कंफर्म नहीं मैं बोला था, क्योंकि क्यों कंफर्म नहीं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कलर्स दिख रही है, यानी कि हमारी जो सेल कॉल के हिसाब से कैंडल कलर और बार कलर और प्रेजेंट सेल्स होना से तीनों साथ में आए तब भी ले सकते हो। यहाँ पे सेल कॉल जो दिया है तो वो एक्स्ट्रा कलर्स आपको दिख रही है, एक्स्ट्रा कलर्स यानी कि आपको एक्स्ट्रा कलर्स जब भी दिखते हैं साइडवे मार्केट की इशारा है, यानी कि साइडवे मार्केट मतलब आपको यहाँ पे मार्केट ने यानी कि बाई में भी नहीं सेल में भी नहीं ऐसा पोजीशन यहाँ पे आपको दिया है, यानी कि साइडवे मार्केट आपको जब भी आते हैं थोड़ा वेट करके ही सिग्नल उठाना चाहिए। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने जो सेल दिए थे उसके हिसाब से अभी साइडवे था, तभी साइडवे सब वहाँ पे जो ब्लू कलर की स्टार, यानी कि यहाँ पे ब्लू कलर स्टार दिख रही हूँ, वो स्टार क्रॉस करके रेड कैंडल बनता है तब भी तो हमको उठा ना सके, तो ये बिना साइडवे होकर बाहर निकल गए। ओके, तो अगर सिग्नल के बाद अगर साइडवे आ रहा है, तो अगर सिग्नल के बाद अगर साइडवे आता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो हमेशा वहां से थोड़ा सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो ऐसे देखिए, आप भी क्या है, तभी आप दिख रहे हैं कि मार्केट बाई जोन में है, तो फिर से रेसिस्टेंस ब्रेक करके आगे जाने के चक्कर में, पर एक्स्ट्रा कैंडल यहाँ पे दिखते हैं तो वो कैंडल वो रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक करके ऊपर
जा रहे हैं तो अब जाएगा रस्सी सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे जाए, यानी कि सेल बनता है तो आप इतना देखिए सिग्नल देने के बाद अगर मार्केट रेसिस्टेंट ब्रेक कर रहा है क्या, रेसिस्टेंट ब्रेक करेगा तो ही ऊपर जाएगा। तब फिर बाय कॉल यहाँ पे बनते हैं तो साइडवे कैंडल आता है तो आप देखिए सपोर्ट लेवल क्रॉस करेगा, सपोर्ट लेवल क्रॉस करेगा तो ही नीचे जाएगा, साइडवे कैंडल आता है तो ही नोट कीजिए। ओके, तो अभी 15 मिनट का मैं दिखाती हूँ आपको, 15 मिनट में ये देखिए, 15 मिनट में अभी कल की सिग्नल की कंटिन्यूएशन जा रही हूँ, कल की सिग्नल के हिसाब से अभी 244 पॉइंट्स अभी अच्छी हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी बाई थी कल से लेकर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्रूड ऑयल, सॉरी नेचुरल गैस। इसमें सॉफ्टवेयर ने आज दो सिग्नल दिया है, एक सेल दिया है एक बाई दिया है। एक सेल जब मॉर्निंग में दिए थे, मॉर्निंग में कितने बजे मैं आपको करेक्ट नेक्स्ट टाइमिंग बताएंगे, तो लगभग आपको 11 बजे सॉफ्टवेयर ने 11:05 पहले सिग्नल सॉफ्टवेयर ने दिए थे, उसके हिसाब से अभी हम कंफर्मेशन ले सकते थे इसी पॉइंट में, यानी कि 373.450 यहाँ से एंट्री ले सकते थे, यहाँ तक मार्केट गए थे, यानी कि 363 से 362 मतलब अप्रोक्सीमेट 9 पॉइंट तो आराम से मिल गया ना, अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट के आसपास, तो आराम से आपको कम से कम कितना पॉइंट 12,000 के हिसाब से आपको ये प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है 10,000 की, क्योंकि ऑलरेडी 10 पॉइंट्स मतलब 1 पॉइंट के हिसाब से 1,250, तो आराम से आपको 9 पॉइंट तो ज़रूर मिला है। ओके, तो अच्छा खासा प्रॉफिट ये सेल में निकला है। और नेक्स्ट बाई में आए तो बाई में एकदम इतना ऊपर जाकर ओपन हो गए थे तो वहाँ से नहीं ले सकते थे, ऊपर से कंफर्मेशन दिया नहीं था सॉफ्टवेयर, सेम थोड़ा नीचे जाकर फिर ऊपर गए, हमको ले सकते थे यहाँ से एक कंफर्मेशन मिला था, तो आपको एक तो री एंट्री में एंटर कर लीजिए, यानी कि सॉफ्टवेयर फिर से मार्केट ऊपर जाएंगे तो री एंट्री देगा, एक तो री एंट्री में एंट्री कीजिए यहाँ से, यानी कि 370 यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कन्फर्मेशन मिला था, सेकेंड पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी कि 370 में ले सकते थे यहाँ से, 370 से लिया तो भी आपको कितने में 376 तक गए थे, 6 पॉइंट तो आराम से मिला है यहाँ। उसके बाद थोड़ा से नीचे गए थे, थोड़ा नीचे यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेड दिख रही है ना, तो उसके हिसाब से 2 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे थे, ऑलरेडी तीनों टारगेट अचीव है। ओके, यही हमारा लाइव परफॉर्मेंस है, अगर एनजी में 15 मिनट्स कर सकते हो दिक्कत नहीं है, पर एनजी से 15 मिनट से बेटर है 5 मिनट्स, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज चेंजेस होता है तो इसके लिए आपको बेटर रहता है 5 मिनट्स। इसमें ये सेल आए थे थोड़ा नीचे जाकर फिर देखिए साइड भी निकल रही, पर इसमें टारगेट तो जरूर अचीव किए थे। 1 मिनट देखिए, तीनों टारगेट अचीव किए तो थे, क्योंकि तीनों टारगेट 366 तक पहुंच गए थे, कितना तक 363 तक पहुंच गए थे, प्रॉफिट तो जरूर अच्छी किए थे पर साइड में निकल रही है, बाई तो इसमें आया ही नहीं है, कल पूरा सेल में था मार्केट, उसके पहले पूरा बाई में था, दिख रही है ना, 15 कर सकते हो दिक्कत नहीं है, पर 15 में छोटा छोटा रिवर्सल अफेक्ट पड़ता है, जैसे कि ये बाई में दे रही है, ये बाई में, क्योंकि एक तो मॉर्निंग में सिग्नल लेना ही नहीं चाहिए, ये बाई सिग्नल जब आए थे कंफर्म नहीं था तब रेड में था, जब कंफर्मेशन आने वाला था तो वहाँ पर रिवर्स हो गए थे, सपोर्ट क्रॉस करते थे। इसमें क्या होता है तो अगर कंफर्मेशन ऐसे बनता है, क्योंकि यहाँ पर लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसी रेट में घूम रहे, यहाँ से रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक ही नहीं किया तो कैसे लेंगे, तो हम लोग जब सिग्नल मॉर्निंग में आता है तो आपको फटाफट कंफर्मेशन आने के उठाने के पहले से रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक करेंगे और चेक करने के बाद उठाएंगे तो आपको कंफर्मेशन और एक्यूरेसी और मिलेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक करेंगे तो ही मार्केट आप निकलेगा, तब भी तो हमारा आपका एक्यूरेसी मिल जाता है। पर 5 मिनट्स में क्या है, उसी टाइम थोड़ा ऊपर गए थे तो इसके लिए यहाँ से एकदम मॉर्निंग में पोजीशन ना बनाएंगे तो ही ठीक है, थोड़ा वेट करने दो, जब 11-12 बजे वेट करने दो सिग्नल कहाँ तक निकलता है उसके बाद पोजीशन ले लेना। एकदम इवनिंग में भी इतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएशन भी आ सकता, पर एनजी में हमेशा मोमेंट मिल जाता है, एक कोई ना कोई मोमेंट मिलेगा ही डेफिनेटली। ऐसे ही लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो इसी नंबर में कॉल कीजिए, मेरे को व्हाट्सअप कीजिए 8139033994, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सेम मैंने पहले बताया था हमारा स्कैनर का फैसिलिटी भी, यानी कि विंटेडर लेटेस्ट स्कैनर 1.2, तो इसी स्कैनर में जो कुछ भी डिटेल्स ऐड करते हैं जैसे कलर आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको मिलेगा, पर से कोई भी चार्ट यहाँ पे आपको ओपन करना है
तो ये कॉर्नर वाली आ रही है, यानी कि एक स्कर्ट ओपन करना है तो ये स्कर्ट देखिए यहाँ से एंड एंड ऑप्शन तक जाएंगे तो ये स्कर्ट की चार्ट है, क्योंकि अभी पूरा स्कर्ट सेल में था आज मार्केट पूरा, तो ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही लाइव देखना है तो मुझे कॉल कीजिए, ओके, व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो डेमो फॉर्म फिलअप कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।